सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस सेशन के अंदर जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट वेलनेस, हमारी हेल्थ और कैसे हम फिट रह पाएँ, कैसे किन चीज़ों से हम बच पाएँ। देखिए, एक बात को अंडरस्टैंड करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीमारियाँ घर में नहीं आती, आप खरीद के लाते हो, आप उसके लिए पे करते हो, फिर वो आपके पास आती हैं। बहुत कुछ, बहुत जगह पे आप ऐसा पैसा अपना स्पेंड करते हो जो बाद में बीमारी लेके आता है और पैसा आपका खराब होता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट हमें क्या नहीं खाना और क्या खाना है, या किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं और करना चाहिए, या कौन सी चीज़ों पे हमें पैसा लगाना ज़रूरी है। सो इन सभी चीज़ों को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। बहुत ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, सभी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए ओवरऑल। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपके सामने स्लाइड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जीवन दर्शन। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख गर्मे हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवां सुख हो सुंदर वास, छठा सुख हो अच्छा पास, सातवां सुख हो मित्र गनेरे, है ना। अभी ये क्यों लिखे गए हैं कर्मवार, इसलिए लिखे गए कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है और सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले क्या है, निरोगी काया, एक हेल्दी बॉडी। आपका घर है कि नहीं, ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर है कि नहीं, आपके बच्चे हैं कि नहीं, या ये सब कुछ बाद में आता है, आपके कैसे मित्र हैं वो सब कुछ बाद में आता है, पहले आती है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपसे कभी ना कभी दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं रहने वाला जब आप अनहेल्दी हैं। आप बोझ बन जाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, अपनी संतान के ऊपर, जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होती, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं लोगों के रिव्यूज़ क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, जब वो किसी फैमिली पर्सन को बार बार हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है, तो उनके दिल में क्या चल रहा होता है ना, यहीं कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि भगवान इनको मुक्ति दे दे, है ना। तो वो परिवार आपको दूर करने के लिए रेडी होता है कहीं ना कहीं, जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ आप परेशान नहीं हो रहे होते, आपसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होते हैं, आपकी फैमिली परेशान होती है, क्योंकि आप बीमार हैं तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है, ठीक है। सो इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि सबसे पहली चीज़ अगर कोई है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और वो सिर्फ आप ही रख सकते हैं, आपकी फैमिली नहीं रख सकती, आपका घर नहीं रख सकता, आपके मित्र नहीं रख सकते, उसका ध्यान आपको ही रखना है, उसका कंट्रोल आपके पास ही है, तभी बाकी चीजें आपकी लाइफ के अंदर अच्छी लगती हैं और तभी रह सकती हैं। सो आज का टॉपिक वेलनेस और इलनेस। वेलनेस क्या है, देखिए ये थोड़ी मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी मैं बात करूंगा। यू कैन मेक बजट ऑफ वेलनेस बट यू कांट एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ इलनेस। आप स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक बजट बना सकते हैं कि चलो मैं अपनी मंथली एक बजट बनाता हूँ कि इतने पैसे मैं अपनी बॉडी के ऊपर स्पेंड करूंगा ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। लेकिन अगर आप इलनेस में चले गए, मतलब अगर आप बीमार हो जाते हो, तो आपका कोई बजट नहीं रहता, इवन आपकी पूरी की पूरी फैमिली के बजट हिल जाते हैं जब आप बीमार हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस लाइन के अंदर, इलनेस के अंदर कोई बार्गेनिंग नहीं होती। आप जाओगे दिन के अंदर जाओगे, आपकी स्लिप कटेगी, रात के टाइम पे जाओगे तो डबल कटेगी। दिन के टाइम पे अगर डॉक्टर को चेकअप करवाना है तो आप बहुत सारा पैसा लगाओगे, अगर रात के टाइम पे करवाना है तो और ज़्यादा पैसा लगाओगे, वहाँ पे स्टे करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छी हॉस्पिटलिटी चाहिए तो आज के टाइम पे 5-स्टार होटल्स के रूम कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन होटल्स के रूम बहुत कॉस्टली हैं और आपकी पहुँच से बाहर है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करिए कि अगर आप वेलनेस के अंदर रहना चाहें, हेल्दी रहना चाहें, तो बजट आपके हाथ में है, लेकिन इलनेस में चले गए तो बजट आपके हाथ में नहीं है। कितना खर्चा होगा ये वही जानते हैं, कितने टेस्ट करवाने हैं ये डॉक्टर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों,
अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो फिर वही जाने आपका क्या उसने रेट डालना है आपकी बीमारी का, और क्या कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। क्योंकि जाते ही आप एक फॉर्म फिल कर देते हैं जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है कि डॉक्टर आपके ऊपर ट्रायल्स करेगा, और जो जो भी उसे लगता है वो आपके बॉडी के ऊपर करना चाहेगा। और उसके बाद अगर आपकी बॉडी को कुछ हो जाता है तो डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं फॉर्म्स के अंदर टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है, जिसमें जाते ही हम साइन करते हैं। जब नहीं भी करते तो वो एडमिट ही नहीं करेंगे, हमें करने ही पड़ेंगे। यू कैन एंजॉय लाइफ विद वेलनेस बट यू कांट एंजॉय लाइफ विद इलनेस। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वर्किंग मोड में होगी, एक्टिव होगी, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। बट अगर बीमार हो, खर्चा तब भी हो रहा होगा, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर सकते। यू कैन चूज टेस्ट इन वेलनेस। आप वेलनेस के टाइम पे तो टेस्ट चूज कर सकते हो कि मेरे को कौन सी हर्ब लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है, जूस फॉर्म में लेनी है, कॉफी फॉर्म में लेनी है, टेबलेट फॉर्म में लेनी है, या किस टेस्ट की साथ लेनी है, वो सब कुछ आप वेलनेस के अंदर चूज कर सकते हो। लेकिन इलनेस के अंदर कुछ भी टेस्ट चूज नहीं कर सकते, करोगे भी तब भी उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। और जो मैंने देखा है, चाहे आप दलिया खाओ चाहे आप खिचड़ी खाओ, उस टाइम पे अगर आप हेल्दी हो खाओगे तो अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी, लेकिन उस टाइम पे वो भी अच्छे नहीं लगते। यू कैन अर्न मनी विद वेलनेस। सबसे बड़ा मुद्दा हर इंसान क्या कमाना चाहता है आज के टाइम पे, पैसा। और पैसा कौन कमाता है? जो हेल्दी है। जो इलनेस के अंदर चला गया वो पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि एट दी एंड इलनेस के अंदर सारा इफेक्ट आपके लीवर किडनी के साथ साथ ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपका ब्रेन वर्किंग मोड में नहीं है तो आप पैसा कहीं से नहीं कमा पाओगे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो भी आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इज चेंजिंग, आर यू अपडेटेड? दुनिया बदल रही है, क्या आपने बदलाव किया? बहुत सारे बदलाव आपने किए होंगे और बहुत सारे हो सकता रह गए होंगे। हम चेक करते हैं, 20 साल पहले टूथपेस्ट नहीं होती थी हमारे घरों में, तो नहीं होती थी। हो सकता है आपने यूज करी हो 20 साल पहले, तो 25 साल पहले आपकी फैमिली में भी नहीं होगी। सैलून्स नहीं होते थे, लोग तैयार होने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाते थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करते थे। इंश्योरेंस बहुत रेयर होती थी, किसी किसी को पता होता था, नाम लगभग। न्यूट्रिशन की बात करें तो वो भी नहीं होता था। लेकिन आज की बात करें तो चेंज क्या है? क्वेश्चन पूछूं, आप सब ब्रश करते हो? तो यस, आप करते हो, मुझे पता है। और लेकिन एक टूथपेस्ट नहीं, आज वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट है, ठीक है? अलग अलग तरह की, अलग अलग, बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, करोड़ों अरबों की मार्केट है आज टूथपेस्ट की, जबकि पहले दांतों से काम चल जाता था। सैलून के अंदर जबकि पहले लोग समझते थे कि ये शोशेबाजी है, इस पे पैसा खर्च करना ये वो, लेकिन आज ये ट्रेंड है, अगर आप नहीं करवाओगे तो शायद आपको आप अच्छे नहीं लगोगे और आप फील करोगे आपकी सोशल एक्सेप्टेंस कम होती है। सो आप सैलून्स के अंदर जाते हो, आपने ये भी खर्चा एक्सेप्ट किया है, टूथपेस्ट का खर्चा एक्सेप्ट किया है, ब्रश का एक्सेप्ट किया है। पहले दातुन फ्री में आ जाती थी, नहीं होता था। सैलून्स के अंदर आप सब लोगों ने जाना शुरू किया है, कभी ना कभी आप जाते हो तो आपने ये भी खर्चा एक्सेप्ट किया है। इंश्योरेंस पहले होती नहीं थी, अब अलग अलग तरह की होती है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस। पहले इंश्योरेंस अब किस तरह की होती है? हेल्थ इंश्योरेंस आई, हेल्थ के रिलेटेड मैं सिर्फ बात करूंगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस में से एक इंश्योरेंस निकल के आई स्पेशल, कैंसर की इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का एक बजट होता था, लेकिन कैंसर का खर्चा बहुत ज्यादा था तो कैंसर की इंश्योरेंस अलग से आ गई। फिर कैंसर की इंश्योरेंस के बाद अभी कौन सी आई? कोविड की इंश्योरेंस, ठीक है? कंपनीज ने कोविड के नाम पे इंश्योरेंस को सेल किया। सो इस बात से आप अंडरस्टैंड करें कि जिस भी चीज की इंश्योरेंस होती है, मतलब उसका खर्चा आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है? आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीजों के खर्चों के ऊपर जिस जिस चीज की भी इंश्योरेंस होती है, ठीक है? वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं कि इन केस जरूरत पड़े तो क्या,
लेकिन मैं बात करूं, ये हॉस्पिटल के खर्चों की इंश्योरेंस होती है। आपका लीवर अगर खराब होता है तो मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितने का मिलेगा, वो इंश्योरेंस के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट पता ही नहीं कितनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, सो हमारे बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, महंगे नहीं कहूँगा, अनमोल हैं। ठीक है, इनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, आपको इनकी केयर करनी है। वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि पहले न्यूट्रिशन होता नहीं था, आज बहुत बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर, बड़े बड़े वैरायटीज के अंदर आपको न्यूट्रिशन मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रहा है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टिल चल रही है। अब चेक करिए कि आप अपडेट हैं, हो सकता है आपने कुछ चीज़ें अपडेट करी हों, कुछ चीज़ें आपकी फैमिली ने अपडेट करी हों, लेकिन समझना जरूरी है आज के टाइम पे ये चारों मुद्दे। लाइफस्टाइल डिसीज एंड यू, क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि लाइफस्टाइल कैसा हो चुका है आज के टाइम पे, आप चेक करिए 25 साल पहले आपके फैमिली, आपके मदर, आपके ग्रैंडफादर का रहन सहन ऐसा ही था जैसे आप थे। क्या वो भी इतने बजे उठते थे जितने बजे आप उठते हैं? क्या वो भी इतना ही वर्कआउट करते थे जितना आप करते हैं? क्या उनका हार्डवर्क ऐसा ही था जैसा कि आपका है? क्या वो उतने बजे ही सोते थे जैसे आप सोते हैं? क्या वो उतनी देर ही मोबाइल यूज़ करते थे जितनी देर आप करते हैं? क्या उनकी आंखें ज़्यादा अच्छी थी कि आपकी? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कहता हूँ, आज से 100 साल पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हेल्दी थे। बट आज के टाइम पे हम पढ़े लिखे तो बहुत हो गए, लेकिन हेल्दी नहीं। 100 साल पहले जब मेडिकल इंडस्ट्री नहीं थी, लोग ज़्यादा हेल्दी थे। आज मेडिकल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई, लोग ज़्यादा बीमार हैं। तो समझने की ज़रूरत हमें क्या है कि हमें तो लगता है हमने बहुत कुछ ज़िंदगी के अंदर कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं, हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं इन चीज़ों के अंदर। सो दिस इज अ लाइफ स्टाइल डिसीजेज। ठीक है, आज हर कोई इंसान बात करता है और आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछता है आपको शुगर तो नहीं है। अगर आपको किसी ने नहीं पूछा तो आपने ये आवाज़ सुनी होगी कि चाय में मीठा डालूं कि नहीं डालूं, तो उसका मतलब क्या है कि आप डायबिटिक तो नहीं हो, चाय पीते हो और मीठे वाली पीते हो कि दूसरी पीते हो। ठीक है, और हमें इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर, छोटी सी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, एक छोटी सी गोली खा के वो कहते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है उस गोली से कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए। लेकिन अगर सिर्फ आपका मकसद ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है तो उसके लिए ही खाइए, क्योंकि वो किडनी को जरूर खराब करेगी। वो आपको तो मेंटली एक बात कह रही है कि आप ठीक हो, लेकिन आप ठीक नहीं, वो सिर्फ आपको लग रहा है और आपकी मीटर रीडिंग्स पे आ रहा है कि आप ठीक हो, लेकिन किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, इन सभी की चीजों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है आपके ब्लड का। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर क्या न्यूट्रिशन सारी जिंदगी खाना पड़ेगा? मैं कहता हूँ प्रॉब्लम क्या है, टेबलेट भी तो सारी जिंदगी खाओगे। फिर लोगों को लगता है कि नहीं न्यूट्रिशन महंगा है, टेबलेट सस्ती है। शुरू में टेबलेट सस्ती हो सकती है, धीरे 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 आप कैलकुलेशन कर लीजिए किसी भी एक पर्सन की जो पिछले 10 साल से बीमार है, फर्स्ट डे से लेके आज तक का खर्चा निकालिए और उसकी एवरेज निकालिए, सारे हॉस्पिटल का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, लेबोरेटरीज का खर्चा, ठीक है, एंट्री स्लिप का खर्चा, सब कुछ निकाल के टोटल करेंगे और एवरेज निकालेंगे तो न्यूट्रिशन से 4-5-10 गुना ज़्यादा महंगा आपको पड़ता है। लेकिन स्टिल न्यूट्रिशन आप यूज़ करते हैं पूरी लाइफ तो आपकी बॉडी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट पहली टेबलेट से ही हो जाता है। बुखार के अंदर हम मेडिसिन खानी शुरू करते हैं, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है लीवर के ऊपर, हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, रिकवरी करनी मुश्किल हो जाती है। एक टेबलेट जो सिर्फ बुखार की, कोल्ड की है, वो इतना असर डालती है लीवर के ऊपर, जो रेगुलर टेबलेट खाते हैं उनका क्या होता होगा आप सोच नहीं सकते। कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, क्या आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना चाहिए? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ क्यों करना चाहिए। क्या आप खुद नहीं अपनी बॉडी को ठीक रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर भी तो रखते थे, ग्रैंड मदर भी तो रखते थे, कितनी एनर्जी थी उनकी बॉडी के अंदर, कितना अच्छा वो खाना खाते थे,
आज के टाइम पे हमारा ध्यान कहाँ पे है, फालतू फालतू चीजों पे हम जितना मर्जी खर्च कर लें, लेकिन जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे बजट से बाहर है। प्रायोरिटी मैटर करती है कि आपकी दिमाग के अंदर जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। बीमार होता बचपन, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी का वेट नहीं बढ़ रहा, 3-3 साल के बच्चों को कैंसर तक देखा हुआ मैंने, और 2-2 हफ्तों के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता, एक बुखार होता है उसके बाद ये प्रोसेस चलता है, पता चलता है कैंसर। आप सोच नहीं सकते कि हमारी डाइट के हालात क्या हैं, और आपको पता नहीं चलेगा कि कैंसर सेल कब बॉडी के अंदर बढ़ने शुरू हो गए और बनने शुरू हो गए, कब हालात ऐसे हो गए कि आप कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, आपको लग रहा है आप फिट हैं, मेरे को लग रहा है मैं फिट, और सच्चाई तो ये है कि जो अभी हॉस्पिटल्स के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं, कुछ महीने पहले उनको भी ये लगता था कि वो फिट हैं, लेकिन आज उनको ऐसी प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने डायग्नोज कर दी जिसका कोई इलाज ही नहीं। ठीक है, हम सब इंसान हैं, उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी है खुद की बॉडी को अंडरस्टैंड करना और उसको नरिश करना। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। अगर आपका डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन नहीं बताता तो वो आपको किल कर रहा है, और बताने का उसका कोई फर्ज नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर है, न्यूट्रिशन के लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिजिशियन होता तो वो शायद आपको न्यूट्रिशन बताता, लेकिन वो डॉक्टर है, वो एलोपैथी के साथ डील करता है, उसने इतने साल स्टडी करी है, उसका कॉन्फिडेंस है, और उसका जॉब ही ये है। आप जाते ही क्यों हैं, डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करूं, वो एक ड्रग देता है जो बीपी कंट्रोल कर सकती है, वो एक ड्रग देता है, एक ऐसा नशा देता है, एक ऐसा केमिकल देता है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। आप कहते हैं मेरी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ रही है, तो मेरे को कौन सी ड्रग लेनी चाहिए, वो आपको बताता है। आप उसके पास ठीक होने के लिए नहीं गए, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मेरी शुगर कितने मंथ में ठीक हो जाएगी, कितने हफ्तों में ठीक हो जाएगी, कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, या तो वो आपको स्माइल करेगा या वो कहेगा कि ये दुनिया से अलग ही है, इसको पता ही नहीं कि कभी ठीक नहीं होगी दवाई से, और अब आपको बता देगा कि ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए है। अगर अच्छा फिजिशियन होगा तो बताएगा कि ये कंट्रोल करने के लिए है, आप कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए, कुछ अच्छे नेचुरल फूड लीजिए, हर्ब्स लीजिए, जूस पीजिए, जिन चीजों से नेचुरली आप कंट्रोल कर पाए ताकि मेरे को आने वाले टाइम में इस ड्रग की मात्रा ना बढ़ानी पड़े। अगर आप सप्लीमेंट की हेल्प लेते हैं तो उस ड्रग की जो एमजी होते हैं वो नहीं बढ़ते, लेकिन अगर आप सिर्फ ड्रग लेते हैं तो उसके एमजी बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है बॉडी। सो ये आज के लाइफस्टाइल डिजीज हैं, हाई बीपी, शुगर, गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, साइटिका, ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल हैं लोगों के अंदर, हाँ पता हो नहीं पता हो वो अलग बात है। ये बुक जो मैंने आपको बोली है ना, ये 4,000 रुपए की कॉस्ट कर रही थी। या तो आप इसको खरीद के पढ़ लो, सारी जिंदगी आप बहुत सारे खर्चों से बच जाओगे, डॉक्टर्स के ऊपर से आपका विश्वास शायद उठ जाएगा, या मेरी बातों को समझ लो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, आपकी बॉडी की सबसे अच्छी केयर सिर्फ आप कर सकते हैं, ना आपके दोस्त ना कोई डॉक्टर। इंडिया नीड 1 लाख मोर हॉस्पिटल इन नेक्स्ट 10 ईयर, ये थोड़ी पुरानी न्यूज है। आप सोचिए 1 लाख और हॉस्पिटल का मतलब क्या है, पहले इतने हॉस्पिटल हैं तो इतनी बीमारियां हैं, अगर और हॉस्पिटल बढ़ेंगे तो मतलब ये है कि बीमार लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, और इसके अंदर शुगर, मोटापा, वुमेन्स की जो डिसीजेज होती हैं, और अर्थराइटिस, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये पानी के हालात हैं। आप कभी भी अपने घर का TDS वैल्यू चेक करिए, बहुत हाई होगा, तभी तो RO लगा रखे हैं। और ये मैं किसी गंदे नाले की तस्वीर नहीं दिखा रहा, ये दरिया है, कभी दरियाओं के अंदर लोग जाके पानी पीते थे, नहाते थे, लेकिन आज के टाइम पे पीना तो दूर की बात, आप वहाँ पे फ्रेगनेंस भी नहीं ले सकते उसकी, जो अब फ्रेगनेंस नहीं रही, बदबू बन चुकी है, आप वहाँ पे खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल सोर्सेज खराब हैं ये हमारे तक ही पहुँच रहे हैं, ये सारा गंदा पानी समुन्द्र में नहीं चला जाएगा सीधा। ठीक है, हमारी
लैंड को खराब कर रहा है, ठीक है, हमारी लैंड्स के बीच में ये रच जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे पानी के अंदर ये सारा कुछ दोबारा रिसाइकल होके ऐसे ही मिलता है। क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जाएगी। अब क्या गेहूं को हम छोड़ सकते हैं? हो सकता है आपके दिमाग में आए, चलो आज के बाद रोटी खानी बंद, ब्रेड खाओगे किस चीज से बनेगी, बिस्कुट खाओगे किस चीज से बनेंगे। बहुत सारे फूड हैं जिसके अंदर गेहूं ही मेजर इंग्रेडिएंट रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे। अगर आप कहोगे कि मैं नहीं खाऊंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, आपको खाना पड़ेगा। फूड पॉल्यूटेड तो हो चुका है, हम आप इसको कम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। सब्जियों के हालात ये हैं, आप सबने ये सब कुछ देख रखा है, ठीक है, कहीं पे इंजेक्शन, कहीं पे कुछ, कहीं पे ये, कहीं पे वो। अब इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा आपको पॉइंट पे भी लेके आता हूँ। आपने सुना होगा लोग कहते हैं सीजनल फूड खाइए और लोकल फूड खाइए, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर फूड सीजनल नहीं है तो उसे संभाल कर रखा जाएगा, कैसे, उसके ऊपर वैक्सिंग लगा के, उसके ऊपर केमिकल्स लगा के, ताकि वो लगे ना कि वो 6 महीने पुराना है, वो फ्रेश लगे, उसके ऊपर ऐसी कोटिंग करी जाएगी। तो अगर नॉन सीजनल फूड आपको खाने की है कि आपने खाना ही खाना है ये वाला, ठीक है, आप एफ एंड बी क्लिनजर जरूर यूज करिए, उसको क्लीन करिए उसके ऊपर जो वैक्स लगी है। अगर आप सीजनल खाएंगे जो चल रहा है इसके टाइम पे, तो उसके ऊपर कोटिंग होने के चांसेस कम है, वो फ्रेश एज इट इज आपको मिल सकता है, कम केमिकल लगे। दूसरी चीज लोकल क्यों बोला जाता है, अगर आप सोचते हैं कि मैं इंटरनेशनल चीजें मंगवाऊं, ठीक है, या कहीं दूर से मंगवाऊं, तो अगर वो चीज दूर से आ रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो आप तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाए। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, बनाना, अगर आपने रोड पे जाते हुए देखा होगा किसी गाड़ी के अंदर तो वो ग्रीन कलर का होता है, जब आप रेडी पे जाके परचेज करते हैं तो वो किस कलर का होता है, येलो कलर का। लेकिन एक दिन या दो दिन आपकी घर में वो पड़ा रहे तो वो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रिजर्व किया हुआ है किसी ना किसी चीज से, लेकिन जब घर पे आ जाता है तो वो ऐसा आपके पास केमिकल्स नहीं है, तो उस चीजों से वो उसकी रियलिटी बाहर आ जाती है और वो जल्दी खराब हो जाती है। फ्रूट्स अगर लेके आने हैं तो भर के मत लेके आइए, एज इट इज लाइए और उसको साथ साथ में खा लीजिए, ठीक है। इतने मत लेके आइए कि एक हफ्ते दो हफ्ते के इकट्ठे ही लें, क्योंकि टाइम नहीं है। देखो टाइम नहीं है तो कल को हॉस्पिटल में भी टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी सेहत के लिए आपको टाइम निकालना जरूरी है। ये कुछ लिखा हुआ है, टोमेटो, एग प्लांट, इनके अंदर कितना ज्यादा केमिकल बढ़ रहा है। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट इसकी तरफ जा रही है कि कैसे हम इस चीज को कंट्रोल करें, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से गाइडलाइन दे सकती है, बट किसान क्या करता है, उसको कमर्शियलाइजेशन करनी है फूड की, तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से ज्यादा बेनिफिट मिले। सो आप समझें कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सारी कमर्शियल आइटम्स हैं, हर चीज के ऊपर सेपरेट। आप थोड़ी सी स्टडी करना भी जरूर सीखें। एक दूध वो है जो एक मिल्कमैन देके जाता होगा, हम सोचते हैं कि उसके अंदर वो मिलावट पक्का करता होगा, पानी डालता होगा, उसके अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है, यहाँ तक तो हमारी सोच जाती है। लेकिन जो आप पैक्ड दूध पी रहे हो उसके बारे में कभी आपने सोचा कि उसमें क्या क्या डाला हो? एक चीज जो मिल्कमैन तो डायरेक्टली आपके पास ले आता होगा, है ना, सुबह उसने उठाया कहीं से तो शाम तक ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचा देता है लोगों के घर पे। लेकिन ये जो मिल्क की कंपनीज हैं, कब वो उठाती होंगी, कहाँ पे ले जाती होंगी, उसको प्रोसेस करती होंगी, फिर कुछ में उसमें ऐसा डालती होंगी कि वो खराब ना हो। और कुछ कंपनीज तो कहती हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक एक मंथ तक खराब नहीं होता। तो आप सोच के देखें, दूध आप 2 दिन घर में रखें और उबाला ना दें, दोबारा बॉयल करते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वही चीज पैक्ड कैसे आपके पास रह जाती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, जो भी मार्केट से आप उठाते हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइप, ठीक है, इन चीजों के अंदर हार्मफुल केमिकल है, कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड आप लेते हो कि छोड़ते हो, बॉडी छोड़ती है, लेकिन कार्बनेटेड वाटर हम खुद बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। पर्पस क्या है? मैं नहीं समझ पाया अभी तक कि क्यों लोग इस चीज को पीते हैं। दो चीजें हैं, एक तो दिखावा, दूसरा लोगों के पास टाइम नहीं है। हमेशा कभी भी किसी के घर में जाते हैं ना, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता है और सिंपल सा रिप्लाई, मैम आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो? नहीं, हम तो नहीं पीते, आए गए के लिए रखा हुआ है। क्योंकि लोग गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा कोई भी नहीं करता, लेकिन आए गए के लिए क्यों रखा हुआ है? क्योंकि टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, गैस पे जाके चाय बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ये एज इट इज रेडी टू सर्व है, तो बैठ के बातें कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बीमार कर देंगे हमारे गेस्ट को। अतिथि बोला जाता था गेस्ट को पुराने टाइम पे, उसे वो चीजें सर्व करी जाती थी जो खुद भी नहीं खाते थे, बेटर देन कि जो हम खाते हैं डेली लाइफ में, उससे अच्छा उनको दिया जाए, ताकि वो सोचे कि हाँ मैं वहां पे गया था, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, मेरे को बहुत अच्छा खिलाया पिलाया। लेकिन आज अच्छा नहीं, बुरा खिलाया पिलाया जाता है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हर एक के मुंह में यही वर्ड होता है कि नहीं, हम तो नहीं पीते, आए गए के लिए रखा। तो आए गए के लिए इसलिए रखा कि दोबारा आए जाए ना। तो चेंज करिए इन चीजों को। किससे चेंज कर सकते हैं, हम बात करेंगे। हॉर्लिक्स में गेहूं का नामोनिशान, बच्चों के जितने भी ब्रांड टीवी एड हम देखते हैं बच्चों के लिए, हॉर्लिक्स ये वो, मेरे को तो नाम भी नहीं पता उन चीजों के, लेकिन सभी को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें सिर्फ शुगर कंटेंट है, मीठा डाला गया है। मीठा भी बॉडी को एनर्जी देता है, बच्चों में एनर्जी तो आ जाएगी लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी, एनर्जी तो आ जाती है। एनर्जी तो लोग आज के टाइम पे स्टिंग से भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी मीठा डाला गया, कैफीन डाला गया, तो वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ आपकी आपको टेस्ट दे सकते हैं, मीठा दे सकते लॉरियल के उत्पादों, ये सब कुछ मार्केट के अंदर जितना भी है सब कुछ रासायनिक बिक रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप बीमारियों को खरीद के लेके आ रहे हैं, सस्ते में खरीदते हैं आप बीमारियों को। आने वाले दशकों में बीमारियों के घर होंगे भारत के शहर, अब तो हो चुके हैं, आपने सुना ही होगा, हार्ट, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, कैंसर, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने नहीं सुनी। अगर सुनी है तो इसका मतलब आपके रिलेटिव में किसी ना किसी को हुई है, आपके जानकार में हुई है। तो अगर उनको हो सकती है, तो क्या गारंटी है कि हमें नहीं हो सकती? हम उसके लिए क्या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमें ना हो? हम कुछ ऐसी चीजें अवॉइड कर रहे हैं कि हमें ना हो, कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं कि हमें ना हो, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। विटामिन की कमी से होती है माइग्रेन, कॉमन प्रॉब्लम है घर के अंदर, आप अपने मदर को देख सकते हैं, फीमेल्स लेडीज मैक्सिमम हाफ डे के बाद सर दर्द की प्रॉब्लम, कईयों को लगातार ही चलती रहती, हाफ हेडेक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, सरदर्द की गोली खा लो, महसूस नहीं होगी वो दर्द, ठीक है महसूस नहीं होगी, लेकिन आपका ब्रेन एक्टिवली काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। तो ब्रेन को डाइट चाहिए, विटामिन चाहिए, ना कि उसको एक वहम चाहिए कि आप ठीक हो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, बहुत ही खतरनाक परिणाम होते हैं इस चीज के आने वाले टाइम में, आपके ऊपर दवाइयां असर करनी बंद कर देंगी। पैदा होते ही बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सुना होगा आपने, बच्चा पैदा हुआ, डेथ हो गई, क्यों ऐसा हुआ? 9 मंथ क्या खाया हो उस फीमेल के अंदर, फीमेल ने क्या खाया है उसको पता ही नहीं है कुछ, क्यों पता नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। मैं तो हमेशा मजाक में ये बोलता हूँ कि सिर्फ ये पता है कि खट्टा खाना है, गोलगप्पे का पानी पीना है, इसके ऊपर तो लोगों को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर डाइट क्या होनी चाहिए हमारी, ठीक है। कोई इस चीज के बारे में कॉन्शियसली स्टडी ही नहीं कर रहा, देखता ही नहीं है। अगर कोई हमारी दादी नानी कोई सलाह देती हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि ये तो पुराने इंसान है, ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। उन्होंने 5 5 10 10 बच्चों को जन्म दिया था, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, और आज के टाइम पे 2 बच्चे पैदा करना मुश्किल, एनर्जी लेवल नहीं बचा, ठीक है, हमें नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सो इन चीजों के ऊपर ध्यान दें, न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में भी चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके बच्चे को भी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है लेडी ने, ठीक है, लेकिन नहीं रखा जाता,
फीमेल्स के अंदर स्पेशली चेंजेस हरदम बॉडी के अंदर होते हैं और उनको ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ मेरे को इस टाइम पे खानी है क्या नहीं खानी। ऐसा नहीं होता कि जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप 24 घंटे या 7ों दिन या 365 दिन आप एक ही चीज़ खाते रहेंगे जो आपको अच्छी लगती है। नो, आपको चेंजेस करने होते हैं फूड के अंदर, सीजनल चेंजेस हो सकते हैं। कौन से पीरियड के अंदर फीमेल्स हैं वो आपको चेंजेस करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो हम डॉक्टर पे छोड़ देते हैं और डॉक्टर क्या देता है, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, ये वो। डॉक्टर्स के पास कॉमन स्टडीज होती हैं कि कॉमन पूरी दुनिया के अंदर क्या कम पाया जाता है, वो उसके हिसाब से आपको रिकमेंड कर देता है। वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको डाइट नहीं रिकमेंड कर पाता। ये तो आपको जानना है ना कि आप क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। और जो वो रिकमेंड करता है कहीं ना कहीं वो केमिकल फॉर्म के अंदर ही होता है, वो नेचुरल फॉर्म के अंदर नहीं होता। बेअसर हो रहे एंटीबायोटिक्स दवाइयां, 20 साल पहले लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती थी वो एक ही गोली खाते थे और ठीक हो जाते थे। मैं हमेशा कहता हूँ हरे पत्ते वाली गोली, बहुत सारे लोगों ने आपने भी खाई होगी, कोई प्रॉब्लम हुई वो गोली खाओ ठीक, डिस्प्रिन खाओ ठीक। आज 5 डॉक्टर चेंज कर लो, 10 डॉक्टर चेंज कर लो, लोगों के कोल्ड कफ नहीं ठीक होते, ठीक है। खाते क्या है, एंटीबायोटिक्स। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। वो बात क्या है कि एंटीबायोटिक्स पहली बात तो आप यूज ही ना करो। बुखार हुआ है, खांसी हुई है, आपको कोल्ड हुआ है, वो टाइम लेगा और ठीक हो जाएगा। अपनी बॉडी को अच्छी डाइट दो, रिकवरी मोड में ले जाओ, लिक्विड डाइट। एक बात मैंने सुनी थी, कहते अगर आप मेडिसिन नहीं खाते तो 7 दिन के अंदर आपका कोल्ड ठीक हो जाता है, और अगर आप मेडिसिन खाते हो तो सिर्फ 1 वीक में ही ठीक हो जाता है। आपको समझ आया होगा, अगर नहीं खाते तो 1 वीक, अगर खाते हो तो 1 वीक में ठीक हो जाएगा, अगर नहीं खाते तो 7 दिन लगेंगे। दोस्तों 7 दिन और 1 वीक सेम ही है, खाओ चाहे ना। अब दूसरी बात, अगर एंटीबायोटिक्स जरूरी हैं आपके लिए, डॉक्टर से रिकमेंड हो गए हैं और आपने खाने शुरू कर दिए हैं, तो कोर्स कंप्लीट करो। अगर उसने 7 दिन के लिए दिए हैं तो फिर 7 दिन ही खाने हैं, 14 दिन के लिए 14 दिन ही खाने हैं, 3 दिन के लिए दिए हैं तो 3 दिन ही खाने हैं, बीच में नहीं छोड़ना। कोशिश करो, अवॉइड करो, लेकिन अगर मजबूरी है, खाना जरूरी है, तो फिर कोर्स पूरा करो ताकि उसका आपको आने वाले टाइम में साइड इफेक्ट ना हो। बैंड लीदर ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल अक्रॉस सिटी काउंटर, आज भी ये सारे के सारे ड्रग अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एक को मैंने रेड कलर के अंदर मार्क किया, निमोसलाइड। ये किस मेडिसिन के होता है, अंदर होता है, आप कोई भी पेन किलर लेके आएंगे या फीवर की मेडिसिन लेके आएंगे उसके अंदर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, पैरासीटामोल के साथ इसको डाल ही देते हैं। अब ये काम क्या करता है, आपकी बॉडी को पेन रिलीफ दे सकता है, फीवर में काम आ सकता है, लेकिन और क्या काम करेगा, लीवर फेल। कोई मेडिसिन कैंसर करती है, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है, उसके लिए लगातार मेडिसिन यूज करते 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 आपको कैंसर हो सकता है। किसी से आपका ब्रेन फेल हो सकता है, किसी से ब्रेन सेल डेड हो सकते हैं, किसी से हार्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो मेडिसिन है, आप अगर कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं तो एक बार जाके स्टडी करिए। लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये सप्लीमेंट लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर वो मेरा पर्सनल कस्टमर हो तो मैं उसके पास बैठता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि वो सीरियसली ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसके पास बैठता हूँ, या मैं उसको बोलता हूँ कि आप जो मेडिसिन खा रहे हो एक बार गूगल पे डालो और स्टडी करो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। जिस चीज के साइड इफेक्ट हैं उस चीज की परवाह नहीं करते, और जिसकी चीज के साइड इफेक्ट नहीं होते उसके बारे में हम वरीड होते, ठीक है। एक एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, उनको स्टडी करो। इसीलिए तो आज सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है, अगर मेडिसिन के रिजल्ट होते, जेन्युइनली लोग ठीक होते होते, तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री की को कोई पूछता ही नहीं, उसकी जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। सो ये सारी मेडिसिन बैन है, मजबूरी में खानी पड़ सकती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इतनी दवाइयों को किया प्रतिबंधित,
ऑलमोस्ट मेडिसिन मार्केट में जितनी भी पड़ी हैं उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्टे ली हुई है, पैसा दिया हुआ है, केस चल रहे हैं वकीलों के अंदर, लोग खा रहे हैं, डॉक्टर खिला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डजंट क्रिएट क्योर, दे क्रिएट कस्टमर्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्योर करने के लिए नहीं बनी, वो कस्टमर बनाने के लिए बनी है। कस्टमर बनाना मैं कहता हूँ फिर भी गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसकी बॉडी बची तो रहे, लेकिन साथ ही साथ वो उस कस्टमर से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं। दवा के साथ सप्लीमेंट भी हैं जरूरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर जिनको फिजिशियन बोलते हैं वो कहते हैं कि दवा के साथ सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्योंकि दवाई आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है, एमरजेंसी रिलीफ दे सकती है, लेकिन अगर आपकी बॉडी दोबारा रिकवर कर सकती है तो वो सप्लीमेंट्स। कभी डॉक्टर नहीं कहता कि आप दवाई खा के बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अगर ऐसा होता तो रोटी खाने की जरूरत नहीं थी, दवाई खाते। द डिसीजन इज इन योर हैंड कि आप वो खर्चा कहाँ पे करना चाहते हैं, उन चीजों के ऊपर जो आने वाले टाइम में बीमारियां लेके आएंगी, या उन चीजों के ऊपर जो आने वाले टाइम में आपको हेल्दी रखेंगे। डिसीजन इज इन योर हैंड, आप वही हैं जो आप खाते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप खाते हैं, आपकी मर्जी आप क्या खाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा फैटी फूड, बहुत ज्यादा क्रीम वाली चीजें, या अच्छा प्रोटीन, अच्छे मिनरल, फाइबर कंटेंट, विटामिन्स। आप जैसा खाएंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। आप सोच के देखिए 50-60 साल की उम्र में आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, कोई आपको उठा के लेके जा रहा हो वॉशरूम, कोई आपको उठा के लेके जा रहा हो हॉस्पिटल, आप अपने बेसिक काम भी ना कर पाए, या आप इतने हेल्दी हों कि आप सैर कर रहे हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, आपकी आंखें इतनी अच्छी रहें कि आप सब कुछ देख सकते हो, आपके हेयर्स उस एज में भी इतने अच्छे हों कि लोग आपसे पूछें आपकी सेहत का राज क्या है। डिसीजन इज इन योर हैंड, व्हाट वी डू फॉर यू, हम आपके लिए क्या कर सकते। लेट योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड, लीव योर ड्रग इन द केमिस्ट पॉट इफ यू कैन क्योर द पेशेंट विद फूड। ये पुराने लोगों ने, जो फादर ऑफ मेडिसिन थे, उन्होंने बोला था कि अपने खाने को ऐसा रखो कि वो मेडिसिन का काम करे, कि उसके अंदर न्यूट्रिशन मिले, और आपका जो न्यूट्रिशन है वहीं आपका वो फूड में से मिलना चाहिए, वो आपकी मेडिसिन होनी चाहिए। आप केमिस्ट के पॉट में ही रहने दीजिए सारे ड्रग्स, अगर आप किसी पेशेंट को फूड के साथ ठीक कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन थी शुरू के टाइम पे जब मेडिसिन इंडस्ट्री आई थी, कि आपने कोशिश करनी है कि ड्रग्स नहीं यूज करने, मेडिसिन के बिना ही पेशेंट को ठीक करना है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा। ओके लाइफ केयर यस ग्रुप के अंदर आप सबका वेलकम है, और उसी के तहत मैं आपको ये सब कुछ गाइड कर रहा हूँ और फर्दर गाइड करना चाहता हूँ कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। ओके लाइफ केयर बेसिकली है क्या, वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी दोस्तों। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बॉडी के अंदर अगर गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो हेल्दी कभी नहीं रह पाएगी, बैड बैक्टीरिया ऑटोमेटिक ज्यादा हैवी हो जाएंगी। एक बात को समझने की कोशिश करिए, आपको डिग्री चाहिए, आप पढ़े लिखे कहलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे कई साल, और आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अनपढ़ कहलाना है तो उसके लिए किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अक्सर ये बात बोली जाती है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी अपने आप डल जाती है। एनर्जी लगती है अच्छे काम करने में, किसी को अप्रिशिएट करने में एनर्जी लगती है, किसी की गलती निकालने में कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई भी किसी की गलती निकाल देता है, लेकिन शाबाश देने में और किसी को ये कहने में कि आप अच्छे हो, बहुत एनर्जी लगती है, खुद को अच्छा ठहराने में एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। अक्सर कमजोर लोगों को ही गुस्सा आता है, ये बात आपने सुनी होगी, अगर आप उस गुस्से को पी सकते हैं, अगर आपको गुस्सा आना चाहिए फिर भी नहीं आ रहा, इट मीन्स आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं।
अक्सर जिस चीज के ऊपर लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, अगर आप उस पे ओवर रिएक्ट नहीं करते तो आप उनसे कहीं बेटर हैं। सो हम बात करते रहे थे प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी की। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के अंदर जहां आप मार्केट से पता करें, प्रोबायोटिक अगर आपने परचेज करने हैं तो उसकी एक कॉस्ट हो सकती है। इंटरनेशनल कंपनी दो दो ढाई ढाई तीन तीन 1,000 रुपए में प्रोबायोटिक्स अलग से सेल करती हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जो अपने न्यूट्रिशन के अंदर प्रोबायोटिक फ्री में डाल के देती है। ये स्पेशल है ओके लाइफ केयर के अंदर, द वर्ल्ड फर्स्ट हर्बो फूडसिटिकल कंपनी। ओके लाइफ केयर ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करे हैं और इन फ्यूचर करेगी और कर रही है कि आपको न्यूट्रिशन लेने के लिए कैप्सूल या टेबलेट नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी कैप्सूल हो या टेबलेट हो न्यूट्रिशन के, वो उसको मेडिसिन समझ के ही यूज करते हैं। तो हमारी कंपनी ने रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट तैयार करे हैं और कर रही है कि आपको न्यूट्रिशन भी मिले और आपकी बॉडी की नीड भी फुलफिल हो जाए, आपने खाना भी खा लिया। जैसे अभी आज मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने क्या यूज किया, मैंने पानी गर्म किया एक गिलास, उसके अंदर एक स्कूप गैनो कॉफी डाली, गैनोडर्मा अर्जेंसिंग से ये बनी हुई है, इसको डाला, दूध में नहीं डाला, पानी में ही डाला, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो सारा कंटेंट है जो बॉडी की नीड है। तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल भी आता है, बॉडी अच्छी रहती है, एक तरह से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, डन, मेरे को जरूरत ही नहीं है बहुत कुछ करने की, दूध डालने की, ये सब डालने की जरूरत नहीं है, पानी गर्म किया उसके अंदर गैनो कॉफी डाली, हो गया एक टाइम का खाना। सो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और आने वाले टाइम में कंपनी लॉन्च करेगी। सेम प्रोडक्ट्स आर रेडी टू लॉन्च इन यूरोप। सो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं, लोकल प्रोडक्ट भी नहीं है। आप चेक करेंगे वेबसाइट पे जाके कितनी ज्यादा सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, उन लोगों ने ऑथराइज किया है, सर्टिफाइड किया है कि यस ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। सो वी आर यूजिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट इन इंडियन प्राइस। इंडिया की फर्स्ट कंपनी जो R&D के साथ लॉन्च हुई थी और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएगी आने वाले टाइम। ईट वेल लिव बेटर ट्रस्ट द नेचुरल। आप नेचुरल चीजों पे ही ट्रस्ट करें, दिखावे पे मत जाएं, अच्छा खाएं, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली है क्या? देखिए हो सकता है अभी आप बोर हो रहे हो, जहां मेरे को ये नहीं पता, मैं कोशिश करूंगा अपनी चीजों को बोर ना करने की, लेकिन अगर आप बोर रहे हैं तब भी ट्राई करिए इस चीजों को समझने की और देखने की, क्योंकि आपकी बॉडी और आपके फैमिली की हेल्थ का सवाल है, बहुत सारे खर्चे बचाने का सवाल है। डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी विच इज मेनली कैरिड आउट बाय द लीवर। आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालना, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन कहाँ से आते हैं? जो आपने खाया, हवा, पानी, खाना, मेडिसिन खा रहे हैं, टॉक्सिन है, कोई भी इधर उधर से खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, टॉक्सिन है, घर पे बना के खा रहे हैं तब भी टॉक्सिन है, क्योंकि लेके तो बाहर से ही आ रहे हैं सब कुछ बनाने वाला, ठीक है, और उसके ऊपर सर्टिफिकेशन हम कभी चेक नहीं करते खाने वाली चीजों के ऊपर। हम ये तो देखेंगे कि घर के अंदर जो टॉयलेट के ऊपर सीट लगेगी वो किस चीज से सर्टिफाइड है, जो टैब के लिए पाइप लग रही है क्या वो ISI है, हम उन चीजों के सर्टिफिकेशन देखते हैं, लेकिन खाते टाइम हम सर्टिफिकेशन देखना भूल जाते हैं कि इससे हमारा शरीर बनना है, ठीक है। सो बी केयरफुल। माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शोइंग विलाइस। ये हमारी बॉडी है, अंदर से विलाइस इसी तरह की होती है। नंबर वन में आप चेक कर सकते हैं, ये छोटे बच्चे की आंत है, कुछ भी बॉडी के अंदर जाएगा बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी के अंदर वो सेल लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरा केस, टॉक्सिन जाने के बाद वो जगह ब्लॉक हो जाती है, हम अच्छा खाएंगे तब भी नहीं लगेगा। सो जरूरी क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो जितना मर्जी अच्छा खाई जाइए, आप
100% खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में 20% ही एब्जॉर्ब हो पाएगा, बाकी सारा निकल रहा है बॉडी के अंदर, वेस्ट हो रहा है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सपोज आपने चाय बनाई, चाय को डाला चाय पानी के थ्रू और उसके ऊपर पत्ती जमा हुई। अब वो पत्ती आपने निकाली नहीं, दूसरे दिन फिर उसी से डाली, फिर चाय आएगी। तीसरे दिन जब आप उसमें डालेंगे तो पत्ती भर चुकी होगी और शायद चाय नीचे नहीं जा पाएगी, या बहुत कम जाएगी, स्लो स्लो जाएगी। अब हुआ क्या है, जरूरी क्या है, उस चाय पत्ती में से पानी में से वो निकाल देना और उसको वॉश करके दोबारा यूज करना। हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इनका साइज काफी बड़ा होता है। एक दिन में ये गंदी नहीं हो जाती, या एक साल में नहीं हो जाती, टाइम लेती। लेकिन चाय पानी को तो आप ऐसे करके साफ कर दोगे, अपने शरीर को ऐसे करके साफ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा चाहिए जो बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करे। सो हमारे पास ऐसा क्या है जिसके साथ आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, टॉक्सिन को रिमूव कर सकते हैं लीवर से। अब मैं उसके बेनिफिट बता देता हूँ और सिम्टम भी बता देता हूँ कि बॉडी में टॉक्सिन है तो बॉडी में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, खाते ज्यादा है लगता कम है। क्या प्रॉब्लम है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम है, बॉडी में टॉक्सिन हो सकते हैं, इम्यूनिटी डिस्टर्ब रहती है, बहुत जल्दी आप बीमार हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। ठीक है, आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, धूप में गए, आपको छींके आनी शुरू, आपने झाड़ू फेरा, आपको फिर बुरा हाल। ठीक है, आपने कुकिंग करी, वहां पे कोई मसाला चढ़ गया, आप बीमार पड़ गए। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी के ऊपर हावी हो जाती हैं, टॉक्सिन इम्यूनिटी को लो कर देती हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहता है। दोपहर बाद आपको लगता है कि मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, एनर्जी ही नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कहीं से आप जब घर आते हो ना वापस बाहर जाके, तो आप आपके सामने अगर दो चीजें हों, एक बेड एक सोफा बैठने वाला, ठीक है, आप कहाँ पे जाएंगे, सीधा बेड पे जाने को मन करेगा, क्यों, वो को बॉडी कह रही है बैठना नहीं है, लेट जा, एनर्जी लेवल डाउन है, ग्रे हेयर्स प्रॉब्लम नॉर्मल है, आपके बाल सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले ही, आई साइट कमजोर हो रही है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, सेल बहुत कम बन रहे हैं बॉडी के अंदर, HB लेवल लो रहता है, नींद आती नहीं है, रात को सुबह उठा नहीं जाता, या 10-10 घंटे सो जाते हैं फिर भी लगता है नींद पूरी नहीं हुई, मजा नहीं आया, अभी दिल करता है और सो जाऊं, डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हंगर इशू, भूख बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस स्लाइड के अंदर ना किसी भी बीमारी का नाम नहीं लिखा, ये कोई भी बीमारी है ही नहीं, ये क्या है, बॉडी की कंडीशन है। जब आपकी बॉडी को अच्छा खाना, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा, तो आपकी बॉडी ये सिग्नल दे रही है कि प्रॉब्लम चल रही है। अब करना क्या है, या तो आप बॉडी को न्यूट्रिशन दोगे, टॉक्सिन निकालोगे बॉडी से, ठीक है, इन चीजों को रिकवर कर जाओगे, दोबारा से ये ठीक हो जाएंगी। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने लिखी हैं ये ठीक हो सकती हैं और इसमें से कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन इसको लगातार जब आपकी बॉडी सहन करती जाएगी, लड़ती जाएगी, कोशिश करती जाएगी कि कैसे किसी तरह से मैं जिंदा रहूं, मैं मैनेज करती जाऊं, और एक टाइम ऐसा आएगा कोई ना कोई बॉडी पार्ट बिल्कुल किल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या फिर लगातार जब ये प्रॉब्लम चलती रहती है तो हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं गलती से, और हमारी बॉडी मेडिसिन एडिक्टेड हो जाती है, फिर लगती है कोई बीमारी। बीमारी बाद में आती है, पहले ऐसे सिग्नल आते हैं, बॉडी डिटॉक्स कर लो अच्छा रहेगा, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया। लीवर फ्यूल हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, जो आपकी रिकवरी करता है लीवर सेल्स की, और आपके बॉडी में से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली ट्रेनिंग हम फिर कभी करेंगे, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। लीवर फ्यूल के साथ एलोवेरा जूस से डिटॉक्सिफाई हो सकता है, आंवला जूस हो सकता है, त्रिफला जूस हो सकता है, फेनल सीड ड्रॉप्स हो सकती है, इनके साथ आप डिटॉक्सिफाई बॉडी को कर सकते हो। यू कैन मेक योर बजट, आपका बजट कैसा है कि इनमें से कौन सी चीजें यूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से करिए,
लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर आपका बजट कौन बनाएगा? डॉक्टर। ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है, आपके हाथ पैर सूने लगते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, स्वेलिंग होती है फीट्स के अंदर, अटेंशन नहीं बन पाती, वर्बल नॉन वर्बल लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। मेरी बातें आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में नहीं जा रही, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी की सर्कुलेशन में दिक्कत है, एक्टिवनेस नहीं है बॉडी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ बोली जा रहे हो, मेमोरी की प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जो देख रहे हो ध्यान कहीं और है और कहाँ है वो भी नहीं पता, प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन। फटीग, एनर्जी की कमी, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ज्वाइंट पेन रहती है, मसल क्रैम्पिंग रहती है, क्यों, क्योंकि बॉडी को ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल रही बॉडी पार्ट्स को, तो क्या है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आएंगी। स्किन कलर चेंज होने लग जाते हैं, किसी की स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, किसी तरह के भी चेंजेस आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी को सप्लाई ही नहीं मिल रही ब्लड की, और ब्लड के बिना हमारी बॉडी है ही कुछ नहीं, पूरी बॉडी के अंदर नाड़ियां घूम रही हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, यही तो सर्कल, जब तक जा रही है, जहां तक जा रही है तब तक वहां पे सब कुछ ठीक है, जब कहीं पे ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है वहां पे कैंसर शुरू हो जाता है। अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो कैंसर स्टार्ट हो जाता है, वहां पे कैंसर सेल हावी होने शुरू हो जाते हैं। कैंसर सेल हर एक की बॉडी में है, आपके मेरी सभी की, लेकिन वो हावी कब होते हैं, जब आपके वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स है। तब तक आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा जब तक के आपकी बॉडी के अंदर 80% ब्लॉकेज नहीं आ जाती। You will face no problem in heart till 80% blockage. आपको लगता ही नहीं है आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं हो जाती, और जब पता लगता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर जाते ही आपको बोलता है कि आपकी बॉडी में 90% ब्लॉकेज है, ये सब कुछ करना पड़ेगा, आप उस डॉक्टर को क्या बोलोगे, अनपढ़ पैसे लेना चाहता है इसलिए बोल रहा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ऐसे करो, वैसे करो, आपका 10-20 हज़ार रुपये लगेगा, फिर आप टेस्ट करवाओगे बड़े बड़े तगड़े तगड़े, फिर वो आपके सामने रखेगा और फिर बोलेगा कि आपकी बॉडी में 80% 90% तक ब्लॉक है। तब आप क्या कहोगे, ये डॉक्टर समझदार है, पढ़ा लिखा है ना, इसने पढ़ लिख के बताया कि ब्लॉक है। आप खुद ही पढ़े लिखे हो जाओ कि प्रॉब्लम आपको पता ही तब लग नहीं जब 80% से ऊपर चलेगी। टेस्ट करवाओ ना करवाओ, टेस्ट करवाने से बॉडी फिट नहीं होती, टेस्ट करवाने से आपके सामने रियलिटी आती है कि यस आपकी बॉडी में ब्लॉकेज सच में है जो आपका डॉक्टर कह रहा है। सो उसके बाद क्या है, वो डॉक्टर ही जानता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशन ऐड कर लेते हो अपनी समझदारी से तो उससे बाहर आ सकते हो, अदरवाइज तो फिर रास्ता सीधा ऊपर को ही जाता है, हो सकता है वो 2 साल में चला जाए, हो सकता है 5-10 साल के अंदर चला जाए, लेकिन रास्ता वही है, मंजिल वही है सबकी, कोई हंसते हंसते जाएगा, कोई रोते रोते जाएगा, कोई पूरे परिवार को गरीब करके जाएगा, कोई पूरे परिवार को हेल्दी छोड़ के जाएगा, कोई अमीर छोड़ जाएगा, आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ के जो लास्ट इयर्स होंगे 2-4-5 साल उसमें आपने कितना तंग होना और कितना तंग करके जाना। हार्ट फ्यूल दोस्तों, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनका हार्ट फेल हो चुका है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी के अंदर हार्ट है। मैं इसको खाता हूँ, खा चुका हूँ 2 बॉक्स, मेरे अंदर हार्ट है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कभी सामने नहीं आई, लेकिन मैं हार्ट फ्यूल खाता हूँ, क्यों, क्योंकि ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है, आपकी बॉडी की एजिंग को रोक रहा है, बूढ़े तो सबने होना है, कुछ लोग आपने देखा होगा 30 साल में बूढ़े लगते हैं, कुछ लोग 60 साल में भी जवान लगते हैं, फर्क किस चीज का है कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जा रहे हैं कि नहीं। आपका हार्ट हैप्पी रहेगा इसके ऊपर लिखा है, लेकिन ब्रेन भी हैप्पी रहता है और आप वाकई में खुश रहते हो अगर हार्ट फ्यूल खाते हो।
आपको चिंता चिंता होती नहीं है। अगर चिंता नहीं होगी तो वैसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, ये भी आपने सुना होगा। कार्डियक फंक्शन इंटरनली भी उसको ठीक रहेगा। हार्ट फ्यूल को आप डेफिनेटली यूज करके देखें इसके रिजल्ट कितने अच्छे। अगर आपको कोई टेंशन या ये चीजें रहती हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसीजेज होती है इसी चीज से, तो आप डेफिनेटली हार्ट फ्यूल आप खुद अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है उनको तो देना है देना साइड वाइज विद मेडिसिन, मेडिसिन छुड़वा के नहीं, विद मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको समझा के कि ये क्या है, ताकि उनको वहम ना रहे कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया जो मेरे डॉक्टर ने नहीं बोला था, और मेरे को ये ना हो जाए वो ना हो जाए। आप उस एज में खाइए जब आपको डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने की जरूरत है, ये आपके हार्ट का डॉक्टर है। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यह आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे। बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 आपको कैंसर से बचाएगा, बोन्स और जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्लीप्स के लिए अच्छा होता है, इन्फ्लामेशन से फाइट करता है, हार्ट के लिए हेल्दी होता है, ब्रेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओमेगा 3 अच्छी चीज है, इम्प्रूव आई हेल्थ, फाइट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, हाई बीपी से बीमारियों को निमंत्रण। देखो मेरी बात को समझ लो, अदरवाइज जिनको भी बीपी की दिक्कत है उसमें से 51% लोगों को क्या होता है, पैरालाइज होता है। क्या होता है जी? पैरालाइज, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। और 45% लोगों को क्या होता है जी, हार्ट का अटैक। ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा, आपने देखे हैं पैरालाइज अक्सर जिसको भी हुआ होगा, आप उसको पूछना कि क्या हुआ है, वो कहेगा कि बीपी की गोली चल रही है, ठीक है। और देश की युवा शक्ति ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही है, ये डाटास हैं, मैं खुद नहीं बना के लेके आया स्लाइड्स, ठीक है। युवा को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, और 51% को पैरालाइज और 45% को हार्ट अटैक, और 4% जो बचता है ना उनको होता है साइलेंट अटैक। वो मेरे और आपके जैसे होते हैं जिन्होंने, जिनको कभी मेडिसिन भी नहीं यूज करी होगी, कभी बीपी का पता भी नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, उसको बोलते हैं साइलेंट अटैक, ठीक है। सो बी अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स। हार्ट के लिए और सर्कुलेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हार्ट फ्यूल है, ओमेगा फ्लेक्स है, अर्जुन गार्लिक ब्लड थिनर का काम करता है, मुक्तावटी है, इलायची ड्रॉप्स है, इन चीजों को यूज करके आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेटर कर सकते हैं। डेली न्यूट्रिशन आप यूज करना चाहें, अगर आपको लगता है कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और किसी तरह का कोई सिम्टम भी नहीं है, तो डेली न्यूट्रिशन या तो आपको फूड से मिल सकता है, लेकिन फूड के अंदर आज के टाइम पे उतना न्यूट्रिशन नहीं है, आप खुद जानते हैं इस चीज के बारे में, सारी अखबारें सारे न्यूज चैनल गवाह हैं, सारी डॉक्टर्स की स्टडी गवाह हैं कि आपको बीमारियां तभी हो रही हैं क्योंकि फूड के अंदर उतना न्यूट्रिशन नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो आप ले सकते हैं फॉर्म ऑफ टेबलेट कैप्सूल पाउडर एंड ड्रिंक्स। माई 90 शॉर्ट में बताऊंगा, दुनिया का नंबर वन मल्टीविटामिन है। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, माई 90 में 90 का मतलब क्या है, इसमें 90 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। 90 इंग्रेडिएंट्स में कुछ स्पाइसेस आते हैं जो हम डेली लाइफ में खाने के अंदर लेते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड के अंदर अच्छे अच्छे फ्रूट जो भी पाए जाते हैं हर जगह से वो फ्रूट लेके उनके एक्सट्रैक्ट इसमें डाले गए हैं, और ये 90 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। आप शायद जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 90 हर्ब्स को टेस्ट ना कर पाए, उनका बेनिफिट ना ले पाए, और अगर मैं कहूँ डेली खाओ 90 चीजें तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। 3 टाइम का खाना भी लोगों से नहीं खाया जाता, कई बार वो भी स्किप हो जाता है। सो 90 हर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं, एक टेबलेट माई 90 की आप खाएंगे, बॉडी के अंदर 90 हर्ब्स चली जाएंगी, वो अपना काम खुद करती रहेंगी, आप अपना काम करते रहिए, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके हार्ट के लिए, आपके स्किन के लिए और पूरी बॉडी के लिए मल्टीविटामिन का काम करती है, और प्रोबायोटिक्स इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, COQ10 ऑलरेडी एडेड है। COQ10 अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में परचेज करना हो तो उसकी कॉस्ट 2,000 से 2,500 रुपया है, प्रोबायोटिक्स आपको परचेज करने हो तो उसकी कॉस्ट भी 2,000 से 3,000 है, मतलब 5,000 के तो ये दो चीजें ही बन जाती हैं। कैल्शियम अलग से लोगे, मिनरल अलग से लोगे, ये माई 90 अगर आपको मार्केट में कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर पाए तो 5-6 डब्बियों में होगा, पहली बार उसकी कॉस्ट 10,000 से ज्यादा होगी, 12,000 हो सकती है, लेकिन आप कितने लकी हैं, अच्छी किस्मत है कि हम ओके लाइफ केयर के बारे में आज जान रहे हैं,
और सिर्फ ₹1800 एमआरपी के ऊपर कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो हमें सिर्फ ₹1260 में मिल रहा है। हाउ लकी वी आर। सोचो अगर ना होता तो हम 10-12 हजार का न्यूट्रिशन खा रहे होते, और हम खा रहे थे पिछले 1.5 साल से पहले, 4-5 साल हमने बहुत पैसा लगाया है न्यूट्रिशन के ऊपर, आज बहुत कम कॉस्ट में हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगेन मैं डीपली नहीं जाऊंगा, आप MyNIT के बारे में YouTube पे स्टडी कर सकते हैं या हम दोबारा करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जैसे MyNIT में कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, और किस में कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चों के लिए ब्रेव किड्स है, 1 साल से 18 साल का कोई भी बच्चा है आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि 18 साल इसलिए बोल रहा हूँ लोगों के माइंड में होता है कि अभी 18 साल एज नहीं हुई, क्या इसको न्यूट्रिशन यूज करवाएं। जी हाँ, आप करवा सकते हैं, आप अगर वो हॉर्लिक्स वगैरह यूज करवाते हैं तो ये करवा सकते हैं, ये उससे कहीं कितने ज्यादा गुना नहीं मैं कहूंगा, ये बिल्कुल ही अलग चीज है, क्योंकि उसमें तो कंटेंट ही वो है जो बॉडी के ग्रोथ के लिए पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन हाँ बॉडी में एनर्जी लेवल रहेगा और आपको सेटिस्फेक्शन रहती है कि एक टीवी पे बच्चा आता है, वो हंसता खेलता है, वो बड़ा हेल्दी है, तो हमारा बच्चा भी खा रहा है वो भी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। ब्रेव किड्स आप यूज करवाओगे, पर्सनली मैंने रिजल्ट लिए हैं लोगों की हाइट में, बच्चों की लड़कियों की हाइट इंक्रीज हुई, ब्रेन शार्प हुआ, वेट कम था, ग्रो होना शुरू हुई बॉडी, मैं खुद रिजल्ट ले चुका हूँ। आप यूज करवाएं बच्चों को, बच्चों के लिए आप ये समझिए अमृत है। काउ क्लस्टरम के बारे में आप सर्च करेंगे, गांव के अंदर साल में एक आध बार खाने को मिलता था हमें काउ क्लस्टरम, बहुत खुश हो गए और बहुत किस्मत वाले लोगों को वो मिलता था, लेकिन अगर वही चीज आपके बच्चे को डेली मिलनी शुरू हो जाए तो कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आप सोच नहीं सकते। कभी जरूरत, कभी मौका मिले आप मेरे बच्चों के साथ मिलके देखना, वो अलग ही लगते हैं, उनका मेंटल लेवल, उनकी फिजिकल फिटनेस वो अलग ही लेवल की, ठीक है, जो जो मिले हैं उनको पता है, वो जानते हैं कि उस एज के अंदर बच्चों बच्चे कैसे होते हैं और मेरे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का यूज पिछले हम 5-6 साल से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। मेरे बच्चों को कैंडीज के नाम नहीं पता, कैल्शियम का नाम पता है, कई बार मैं कई लोगों को दिखाता हूँ, मीटिंग चल रही होती है और वो उठा के ले जाते हैं, पापा कैल्शियम खाना, बच्चे की उम्र कितनी है, 3 साल, दूसरे की 6-7 साल, फिट हैं, ब्रेव किड्स यूज कर रहे हैं, इससे पहले प्रो ब्रेव किड नहीं आता था तो मैं प्रो हेल्थ भी दे देता था थोड़ा कम क्वांटिटी में, लेकिन आप ब्रेव किड्स जरूर अपनी फैमिली में यूज करवाएं, अगर कोई 18 से नीचे है, ऊपर है तो भी यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है, मैं खुद भी कई बार पी लेता हूँ। MyNIT मल्टीविटामिन ओवरऑल सभी के लिए यूज हो सकता है 18+ के लिए, फाइटर 40 स्पेशल न्यूट्रिशन है 40+ लेडीज के लिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक मल्टीविटामिन है 40+ लेडीज को, आप किसी भी एज में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीमारियों के लिए नहीं बना, लेकिन बॉडी में बीमारियां ना आए, न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता रहे उसके लिए बना। पिंक 18+ 18 से लेके 40 तक कोई भी फीमेल यूज कर सकती है, उसको बीमारी लगवानी नहीं है कि मेरे को पिंक 18 तब यूज करना जब कोई बीमारी लग जाए, ये आप डेली यूज कर सकते हो, ये मल्टी विटामिन है। प्रो हेल्थ आप यूज कर सकते हो, एलोवेरा जूस के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, वोमेन पावर के अंदर न्यूट्रिशन पावर है, आप रेगुलर यूज कर सकते हो, काउंट अप सिरप आप रेगुलर यूज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप रेगुलर यूज करते रहते हैं। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की कैपेबिलिटी है कि वो कैसे बीमारी अगर कोई आ जाए, बैक्टीरिया जब आते हैं, वायरस आते हैं, उनके साथ वो रिएक्ट कैसे करती है, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर्स जरूरी हैं, हम सबको पता है, वात पित्त कफ डीपली फिर जाएंगे, लेकिन ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जो किसी भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी के लिए फाइट करता है, उसको बढ़ाता है, इन्फेक्शन को खत्म करने में और इन्फ्लामेशन को खत्म करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्टर और कौन कौन से हैं, I3 के अलावा आरोग्यावटी, अश्वगंधा, गिलोय, ओके फिटनेस, कोर स्पाइसेस, जितने भी हमारे मसाले हैं वो सारे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। पंच तुलसी, आंवला टेबलेट, आंवला जूस, KSM 66, अश्वगंधा, वुमेन पावर, काउंट अप सिरप,
ये सारे प्रोडक्ट। सो मेरे को लगता है आज की ट्रेनिंग यहीं रोक लेनी चाहिए, टाइम काफी हो गया है, मेरे को पता ही नहीं लगा कि कब ये टाइम हो गया। सो ट्रेनिंग को, आज की ट्रेनिंग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि स्टिल आप सब लोग मेरे साथ हैं 1.5 घंटे बाद भी। तो कैसी रही आज की ट्रेनिंग?